जिम कार्बेट नेशनल पार्क से मैं रवि कुमार गुप्ता कुतुब मेल के लिए। ये उत्तराखंड का एक ऐसा नेशनल पार्क है जो देश और दुनिया भर में अपने बंगाल टाइगर की वजह से अपनी एक ख़ास पहचान रखता है। यहाँ का जो बंगाल टाइगर है उसके शरीर पर काली धारियाँ, सफ़ेद चित्तियाँ और हल्का गुलाबी या आप उसे भूरा रंग कह सकते हैं वह पाया जाता है। यहाँ पर एक बहुत विशाल जंगल है जिसमें विभिन्न तरह की जानवर, पशु पक्षी, हाथी और लंबी लंबी घासों से भरा हुआ एक जंगल है। ये डिस्ट्रिक्ट नैनीताल में आता है और उत्तराखंड का एक बहुत ही मशहूर नेशनल पार्क है। यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ और दिखाना भी चाहता हूँ कि अनेक तरह की आम आदमी को जो आसपास के गांव के रहने वाले हैं या टूरिस्ट हैं उनके लिए कई तरीके की चेतावनियाँ दी गई हैं, जैसे कि आप स्पीड से गाड़ी ना चलाएं जिससे शोर बढ़ता है, जिससे जंगली जानवरों को डर लगता है या वो उनके शांति भंग होती है। इसी तरह से आम आदमी के लिए ये भी कहा गया है कि जंगल और जंगल के आसपास कूड़ा करकट ना डालें और ना ही उन्हें जलाएं। लेकिन यहाँ के लोग कूड़ा करकट भी डालते हैं और आप देख सकते हैं कि जलाते भी हैं, जो कि आपको मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर एक जले हुए कूड़े करकट की राख आपको जगह जगह मिल जाएगी और लोग गाड़ियों को भी पूरी पूरी स्पीड के साथ चलाते हैं। यहाँ हर जिस चीज़ की मनाही है लोग उसका ही उल्लंघन करते हैं और फिर साथ में कई तरीके की समस्याएं पैदा हो जाती हैं इन लोगों की लापरवाही से। मैं आपको आसपास का और भी क्षेत्र जहाँ पर यहाँ पर जंगली जानवर नहीं दिखा पा रहा क्योंकि जंगली जानवरों को देखना काफ़ी अंदर तक जाने का है, लेकिन मैं आपको कुछ बाहरी हिस्सों का ही दर्शन करा रहा हूँ और आसपास के क्षेत्र का जो अवलोकन आप कर पा रहे हैं ये कर रहे हैं। मैं रवि कुमार गुप्ता उत्तराखंड से। Now and press the bell icon. Never miss an update.